गावस्कर नाखुश, गांगुली नाराज, शास्त्री बोले गलती भूलो आगे बढ़ो। WTC फाइनल के पहले दिन कहां चूकी टीम इंडिया। विराट कोहली के कोच ने बताया कैसे मिलेगी जीत। नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच खेला जा रहा है। ये मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान में हो रहा है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहला दिन का खेल खत्म हुआ और कहीं ना कहीं पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। पहला सेशन जरूर टीम इंडिया के नाम रहा, 2 विकेट झटकाए और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बांध के रखा। लेकिन दूसरे और तीसरे सेशन में स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने दमदार बल्लेबाजी दिखाई। खास करके ट्रेविस हेड ने विस्फोटक पारी खेली, कह सकते हैं एक दिन में ही शतक लगा दिया और अपनी टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। दूसरे दिन भी जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाई और फिर बाद में टीम इंडिया के गेंदबाजों को सफलताएं जरूर मिली। लेकिन फिलहाल सवाल उठने लगे कि आखिर टीम इंडिया को पहले दिन इतनी मुसीबतें क्यों उठानी पड़ी। क्या टीम इंडिया क्या और विकेट नहीं ले सकती थी? तो इन पर बहुत सारे दिग्गजों ने अपनी बातें रखी। सुनील गावस्कर ने बड़ी बात रखी, सौरभ गांगुली ने कहा और रवि शास्त्री ने भी इस पर बड़ा बयान दिया। इसके बाद विराट कोहली के बचपन के कोच ने भी अपने बयान दिए। सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में होते तो कहीं ना कहीं बड़े आराम से टीम इंडिया 1 से 2 विकेट और गिरा ली होती और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर होती। इसके बाद सौरभ गांगुली ने कहा कि अगर अश्विन खेलते तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जबरदस्त फायदा मिलता और टीम इंडिया बड़े आराम से पहले दिन ही बढ़त बनाती थी पूरे दिन। इसके बाद रवि शास्त्री से भी यही सवाल पूछे गए। रवि शास्त्री ने कहा कि कोई बात नहीं, पहले दिन जो गलतियां हुई उसे उन पर मिट्टी डालो, उन पर पर्दा डालो, आने वाले 4 दिन बचे हैं, 4 दिन अगर आप बढ़िया खेल दिखाते तो कहीं ना कहीं आपको अश्विन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बाद विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली क्या तकनीक से बल्लेबाजी करेंगे, इसके अलावा वो कौन सा खिलाड़ी है। जी हाँ, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा पर बड़ा बयान दिया कि उन्होंने डब काउंटी खेली है, उन्हें इस पिच का बहुत अच्छे से अनुभव है, मौसम बदलने का भी उन्हें अंदाजा है, तो कहने के चेतेश्वर पुजारा इस मैच में हीरो बन सकते हैं। डेफिनेटली उनको एडवांटेज तो होगा ही क्योंकि वो यहाँ के कंडीशन से एक्लेमेटाइज हुए हैं बहुत अच्छे से और मतलब उनको आइडिया है यहाँ पर कि बॉल किस तरह स्विंग होता है, जब बादल आते हैं तब कितना स्विंग होता है, उसके बाद जब धूप निकल आती है तो विकेट बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन हो जाती हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है दैट विल हेल्प हिम, यू नो। Definitely, I'm very sure India will bounce back. तो फिलहाल आपको क्या लगता है कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो टीम इंडिया को WTC का फाइनल जिता सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।